हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में आज नए उपायुक्त रोहित जम्बाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उपायुक्त बिलासपुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वे अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस ऐतिहासिक शहर में जिला बिलासपुर में कार्य करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर का जिक्र 7वीं शताब्दी में आता है, जब इसे कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता था। उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्बाल ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जिला बिलासपुर के विकास को लेकर रहेगा। उनकी प्राथमिकता में बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, एम्स हॉस्पिटल और फोरलेन का कार्य रहेगा। इनका कार्य युद्ध स्तर पर 40 मई पर पूर्ण हो, इसको लेकर वे प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जनता के हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका लाभ जिला बिलासपुर के लोगों को मिले, ये भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हमें डरना नहीं बल्कि इससे लड़ना है, और हमें पूरी सतर्कता बरतते हुए इस महामारी को मिलकर दूर भगाना है। इसलिए कोविड-19 महामारी के जो भी नियम हैं उनका भी पालन सही ढंग से हो, इसका भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान कई लोग बेरोजगार हुए हैं, तो लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हों, इसको लेकर भी वे प्रयासरत रहेंगे, तथा स्थानीय लोगों को भी अपील की कि वे प्रशासन का साथ दें और मिलकर कार्य करें, जिससे जिला बिलासपुर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। सबसे पहले मैं आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े जो बंधुगण हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब आए और मुझे जो है अपने आप से और यहाँ की जनता से रूबरू होने का मौका दिया आप सभी ने। बिलासपुर एक ऐतिहासिक स्थान है, इसका जिक्र जो है इतिहास में लगभग 7वीं शताब्दी से ही, जब इसका नाम कहलूर इनिशियली रखा गया तब से इसके बारे में वर्णन है इस जगह का। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस जगह मुझे अपनी सेवाएं प्रदान करने का सरकार की तरफ से जो है मौका मिला, तो आप सभी का सहयोग जो है इसमें अपेक्षित रहेगा और हम जो है एक टीम की तरह आगे बढ़ें और क्षेत्र का विकास जो है मिलके कर सकें, इसमें मुझे आपका भी और समस्त जनता का सहयोग चाहिए होगा। मेरी प्राथमिकताओं में यहाँ पे कई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे फोर लेन भानुपल्ली रेलवे लाइन, एम्स का है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इनके कामों में गति प्रदान करी जाए, वो मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी, कोशिश रहेगी। इसके अलावा प्रदेश और जो हैं केंद्र सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनका भी जो है मैं बारीकी से अध्ययन करके और उसके माध्यम से जो है उन स्कीमों के माध्यम से कल्याणकारी स्कीमों का पूरा जनता को लाभ मिले, ये भी मेरी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। और उसमें जो है जनता के लिए जो है एक लिंक के रूप में आप मुझे सहयोग दें, ये मेरी आपसे कामना रहेगी। बाकी अब अनलॉक जूझ रहा है और पर धीरे धीरे थोड़ी सी इसमें ये महसूस किया गया है कि लैक्सिटी थोड़ी सी जनता के स्तर पे आई है, तो मैं ये नहीं कहता कि इससे डरना चाहिए, पर इससे हमें लड़ना है और मिलके दूर भगाना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी खुल गई हैं, थोड़ा सा कोरोना की वजह से जो है बेरोजगारी भी कुछ लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएँ, सृजित किए जाएँ, ये भी प्रदेश सरकार की हमें डायरेक्शन है। और कुछ मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना और अन्य केंद्र की योजनाएं भी इसी डायरेक्शन में जो है उनका ऐसे आदेश प्राप्त हुए हैं, तो अभी इसमें भी प्राथमिकता पर कार्य किया जाएगा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जो हैं युवाओं को प्रदान किए जा सकें। तो आपका सहयोग मैं अपेक्षित करता हूँ, धन्यवाद।